जैसा कि आप सभी को पता हो कि मुनर फारूकी के पहले शो जिस तरह से कैंसिल हुआ करते थे, उसी तरह से कल पुणे के शो उनके कैंसिल कर दिए गए थे। और मुनर फारूकी ये चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अपसेट थे। उन्होंने एक ट्वीट भी किया था जहां पर उन्होंने लिखा था कि दोस्तों, कुछ रीज़न की वजह से आज और कल के पुणे के शो कैंसिल हो गए। आई एम रियली सॉरी। गाइस बता दूं, जैसे मुनर फारूकी ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट डाला और ये लाइनिंग लिखी, उसके बाद से मुनर की जनता बहुत ज़्यादा भड़क गई और मुनर फारूकी की जनता ने ट्विटर पे एक ट्रेंड चला दिया, वो भी एक हैशटैग चला दिया, जैसा कि आप सभी को पता होगा, पब्लिक स्टैंड विद मुनर फारूकी। और आप सब बताते चलूँ, ये तकरीबन 1 मिलियन के करीब करीब पहुंच चुका था ये हैशटैग। और कई सारे लोगों ने इस हैशटैग के अंदर कई सारे रीट्वीट किए थे और मुनर फारूकी के सपोर्ट में कई सारी बातें लिखी थी। तो गाइस बता दूँ, अब मुनर फारूकी सारी चीज़ें देखते हुए बहुत ज़्यादा खुश है और मुनर फारूकी ने एक अपना फिर से ट्वीट किया, मैं आप सभी को पढ़ के सुनाने वाला हूँ। तो मुनर फारूकी ने ये ट्वीट किया और जहाँ पर ये लिखा, थालियों से जब तक के भरना दूँ स्टेडियम, कसम खुदा की मैं मरने वाला नहीं हूँ। और साथ में लिखा उन्हें हैशटैग मुनर की जनता, हैशटैग मुनर वॉरियर्स, और साथ ही साथ आप सबका शुक्रिया सपोर्ट के लिए ये भी लिखा, जैसा आप सभी को मेरे स्क्रीन पर दिख ही रहूँगा, और एक मुस्कुराते हुए एक सेल्फी भी डाली है। तो गाइस बता दूँ, जितने लोगों ने मुनर फारूकी कल सपोर्ट किया था शो कैंसिल होने के बाद, तो मुनर फारूकी ने सभी का दिल से शुक्रिया अदा किया। लेकिन ऐसे में एक सवाल उठा कि आखिर कब तक एक आर्टिस्ट को सताया जाएगा, आखिर कब तक मुनर फारूकी को परेशान किया जाएगा, आखिर कब तक उनके शो कैंसिल किए जाएंगे। ऐसे में आप मुझे कमेंट करके बताइए, जो भी हो रहा मुनर फारूकी के साथ, ये गलत हो रहा, सही हो रहा, प्लीज़ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप मुनर फारूकी की सपोर्ट में है या नहीं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, उतना फैला दीजिए।